जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का एनालिसिस करते हैं। आज 22 मार्च है और आज भी हमें कई सारे एडिटोरियल्स, न्यूज आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या हमें रशिया से ऑयल परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा, जो एंट्रेंस टेस्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, वो गवर्नमेंट के द्वारा लाई जा रही है, तो ये क्या है इसके बारे में देखेंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में हमें देखने को मिल रहा है, तो ये बेसिकली क्या है इसके बारे में जानेंगे। चाइना का जो प्लेन है वो क्रैश हो गया है, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए। देखिए, अब यहाँ पर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मतलब अगर आपको एम अकेडमी ऐप से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी है, तो आप मैसेज जो है ज़रूर कर सकते हो। आपके लिए मैप बेस्ड एक्सरसाइज है, तो यहाँ पर ये जो रेड इसमें मार्क की गई कंट्री है, कंट्री कौन सी है आपको बताना है। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इस कंट्री के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है, मतलब इस कंट्री का नाम, करेंसी, कैपिटल, जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल होगी वो इन्फॉर्मेशन लिखना है, एंड देन वीडियो को रिज्यूम करना है। तो आइए यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एंट्रेंस टेस्ट जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, ये क्यों लाई जा रही है, क्या यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर इमरान खान जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर आने वाला है, तो उसके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। अब ये वाला जो आर्टिकल है कि जो बल्क डीजल है ये यहाँ पर कितना कॉस्टलियर होने की वजह से किस तरीके से कंज्यूमर को हिट करेगा। देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि जो ऑयल प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऑयल प्राइसेस डिक्रीज़ हो रहे हैं, ऑयल प्राइस राइज होने की वजह से क्या क्या होने वाला है, क्या उसके पीछे कारण है, इन सभी चीज़ों को हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसको डिस्कस नहीं करने वाला है। देन उसके बाद अगर हम एडिटोरियल पेज पर आते हैं, तो एडिटोरियल पेज में यहाँ पर स्लिपरी स्लोप ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल बेसिकली यहाँ पर बात करता है काफ़ी दिलचस्प चीज़ के बारे में कि क्या हमें रशिया से ऑयल परचेस करना चाहिए, जो हमें डिस्काउंटेड रेट पर मिल रहा है क्या करना चाहिए, तो इसको यहाँ पर जानेंगे। देन बाकी अगर हम देखते हैं तो वही रशिया यूक्रेन जो वॉर है उसको ज़बरदस्ती का डीप में ले जाया जा रहा है, जो हिजाब की कंट्रोवर्सी है उसको और ज़्यादा पीएचडी करवाई जा रही है, तो ये सारी जो चीज़ें हमें यहाँ पर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप जो आर्टिकल्स हैं उनको अलग से पढ़ सकते हो, बाकी एग्ज़ाम के लिए आपको वो कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। अब देखिए, एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेज लाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा फायदा दिलाएंगे। इसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, एथिक्स, इंटरन सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, मतलब GS 1, 2, 3, 4 सभी देखने को मिलेगा। हाइएस्ट क्वालिटी कंटेंट है लोएस्ट प्राइजेस में, तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एन्जॉय कीजिए। तो आइए हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हमें रशिया से जो सस्ता तेल है, सस्ता ऑयल जो यहाँ पर हमें मिल रहा है, उसे खरीदना चाहिए, परचेस करना चाहिए। देखिए, आज का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है वो कुछ इस तरीके का चल रहा है कि इंडिया एट प्रेजेंट कोई भी ट्रेड सैंक्शंस अफोर्ड नहीं कर सकता है। जिस तरीके के सैंक्शंस रशिया पर लगाए जा रहे हैं, भारत कोई भी सैंक्शंस जो है वो यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता है, और ना ही डी डॉलराइजेशन जो है उसमें कोई वॉर, जो जियो इकोनॉमिक वॉर है, उसको अफोर्ड कर सकता है। अब डी डॉलराइजेशन क्या है ये भी हम जैसे जैसे हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको पता चलेगा। अब देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है बेसिकली उसे 3 मिलियन बैरल रशियन जो क्रूड है वो यहाँ पर खरीदा। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि जो रशिया है वो हमें डिस्काउंटेड रेट पर क्यों ऑयल दे रहा है। उसका कारण है जो वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसकी वजह से जो सैंक्शंस है यूएसए के द्वारा वो लगाए गए हैं रशिया पर, उसकी वजह से अब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है रशिया से ऑयल नहीं खरीद रही है। रशिया के पास ऑयल जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो अब खरीद नहीं रहे हैं तो रशिया को भी बेनिफिट नहीं होगा, रशिया को इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो अब रशिया को एडवांटेज मिले इसके लिए जो रशिया के प्योर अलाइज है, जिसमें एक इंडिया भी हमें देखने को मिलता है, तो उसको वो डिस्काउंटेड रेट पर जो ऑयल है वो यहाँ पर दे रहा है। अब देखिए, यहाँ पर जो बर्लिन वॉल है वो गिरती है 1989 में, क्योंकि पहले अगर आप देखोगे तो दो डिफरेंट जो पोल्स है वो हमें देखने को मिल रहे थे,
एक हमें देखने को मिल रहा था यूएसए, दूसरा हमें देखने को मिल रहा था यूएसएसआर। दोनों के बीच में कोल्ड वॉर जो है वो चलता आया कई सालों से। देन उसके बाद 1989 में बर्लिन वॉल जो है वो गिरती है एंड उसी के साथ सोवियत यूनियन जो है उसका भी कोलैप्स हमें देखने को मिलता है। जब सोवियत यूनियन का कोलैप्स होता है तो अलग अलग कंट्रीज जो है उनको आज़ादी मिलती है, उसमें से एक यूक्रेन जो है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब जब ये बर्लिन वॉल फॉल होती है, जब यहाँ पर जो यूएसएसआर है उसका डिसइंटीग्रेशन होता है, उसी दौरान मतलब 1991 में इंडिया जो है वो भी यहाँ पर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन लेकर आता है, जहाँ पर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म जो है वो इंडिया के द्वारा लाए जाते हैं। एलपीजी रिफॉर्म के तहत हम प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, ग्लोबलाइजेशन जो है उसको भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। अब यही सिनारियों में जब यहाँ पर बर्लिन वॉल गिरती है तो इकोनॉमी, जो इंडिया की इकोनॉमी है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडिया में भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस जो है हमें देखने को मिल रहे थे। खासकर अगर हम देखते हैं तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है ये काफ़ी उफान पर था। जो फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा काफ़ी नीचे गिर चुका था, इतना नीचे गिर चुका था कि हम सिर्फ 2 हफ्तों तक का जो इम्पोर्ट है उसको अफोर्ड कर सकते थे। 2 हफ्तों से ज़्यादा का अगर हमारा इम्पोर्ट अगर होता था तो उसको हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे, इतनी बुरी स्थिति जो है वो भारत की हो गई थी। इस वजह से इंडिया जो है उसने यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आए, जो एलपीजी रिफॉर्म है वो लेकर आए। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो इंडिया है, जब यहाँ पर समझ लीजिए जो फ्रजाइल इकोनॉमिक स्टेट यहाँ पर हो रहा है, इंडिया यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा मुसीबतों से जूझ रहा था। मतलब जब ये वॉर हो रहा है उसके पहले से ही इंडिया जो है काफ़ी बुरी हालत से गुजर रहा था। जैसे कि हमें जो हमारी ग्रोथ है उसमें काफ़ी स्लोडाउन जो है वो देखने को मिल रहा था, जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ पर काफ़ी वाइड, काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। हमने देखा है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो रेंज होती है कि 2 से लेकर 6% के बीच में हमारा इन्फ्लेशन रहना चाहिए, लेकिन 6 से ऊपर जो है हमारा इन्फ्लेशन रेट हमें देखने को मिल रहा है। जो डिमांड है वो काफ़ी वीक हो चुकी है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों की जॉब है वो चली गई है। जॉब जाने की वजह से जो यहाँ पर डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर जो है वो नहीं रही है। उसी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि क्या है कि जो भी कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन जो ग्रोथ है इतनी कम हो रही है जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर है वो भी यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये सारी जो समस्याएं हैं उससे हम जूझ रहे हैं। एक जो फैक्टर यहाँ पर बसता है वो है एक्सपोर्ट का। तो इंडिया यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई एक्सपोर्ट जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर कर सकें, लेकिन उसमें भी जो है वो समस्या यहाँ पर किस तरीके से खड़ी होती है आप अभी देखिए। अब यूनियन बजट अगर आप देखोगे तो उसमें भी यहाँ पर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो यहाँ पर कैसे उसको नलीफाई करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है उसको इंक्रीज करके। जैसे गवर्नमेंट स्पेंडिंग अगर हम इंक्रीज करते हैं कायम में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है उसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब जैसे ब्रिजेस बनाना बोलिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट करना बोलिए, हॉस्पिटल्स बनाना बोलिए, इन सब में अगर हम यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं तो अपने आप यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी तो लोग ज़्यादा खरीदी करेंगे, खरीदी करेंगे तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, कंपनीज़ को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लोगों को हायर किया जाएगा, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी और लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी। मतलब इन शॉर्ट यहाँ पर यह है कि जो डिमांड है उसको अगर इंक्रीज़ करना है, जो कंजम्पशन है उसको अगर इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें यहाँ पर जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें कैसे जैसे यहाँ पर जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको लाइन पर लाना पड़ेगा। क्लियर? अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो ऑयल प्राइजेस हैं, ऑयल प्राइजेस अगर आप देखो 2014 से काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहे थे, और ये काफ़ी बड़ी ब्लेसिंग थी इंडियन इकोनॉमी के लिए, क्योंकि ऑयल प्राइजेस इतने कम रहने की वजह से क्या हो रहा था, जो गवर्नमेंट है उनको काफ़ी ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। क्योंकि क्या है कि समझ लीजिए कि यहाँ पर ऑयल के प्राइजेस जो है वो 70 रुपये चल रहे हैं, 70 रुपीज़, उसमें से जो गवर्नमेंट है उनको, अगर मैं एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर समझ लीजिए कि यहाँ पर 35 रुपीज़ जो है उसमें यहाँ पर ऑयल बेसिकली बन रहा है, प्लस यहाँ पर 35 रुपीज़ जो है वो गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगाया, इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर एक इंसान को पे करना पड़ रहा है 1 लीटर के लिए। अब यहाँ पर समझ लीजिए कि 35 रुपये का अगर यहाँ पर 25 रुपये हो जाता है, ठीक है, ऑयल प्राइसेस कम हो जाते हैं, 25 रुपये हो जाता है, अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने 70 ही रुपये रखे, बेसिकली यहाँ पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिए। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, गवर्नमेंट को 45 टैक्स जो है उसके रूप में मिल रहे थे। तो अब तक क्या हुआ कि ऑयल प्राइसेस काफ़ी कम थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गवर्नमेंट को यहाँ पर टैक्सेस जो है ज़्यादा लगाना मिल गया, उसकी वजह से गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ।
लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर जो ऑयल प्राइजेस है वो काफी बढ़ चुके हैं, ओवर $100 पर बैरल हमें देखने को मिल रहा है। तो मतलब अब गवर्नमेंट को जितना वो पहले स्पेंड कर रहे थे उसे डबल स्पेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि समझ लीजिए यह 35 है, लेकिन वही यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर ₹60 अगर ऑयल प्राइसेस हो रहे हैं तो प्लस गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ ₹10 ऐड कर सकते हैं अपने टैक्स के, और ₹70, क्योंकि यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये जो आखिर का आंकड़ा है, ये गवर्नमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ा सकती है। ज़्यादा बढ़ाएगी तो लोग जो है उनका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ऑयल प्राइसेस अगर इंक्रीज होंगे तो अपने आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, अपने आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, जो महंगाई है ऑलरेडी उफान पर चल रही है उसको हमें कम करना है, उसको हम नहीं बढ़ा सकते हैं। इससे गवर्नमेंट लास्ट के जो आंकड़े उनको नहीं बढ़ा सकती है ना। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है यहाँ पर टैक्सेस जो उसके रूप में खेला जाए, तो अब तक जो गवर्नमेंट मजे ले रही थी अब यहाँ पर गवर्नमेंट को सजा जो है वो मिलना शुरू हो चुका है। तो ऑयल प्राइसेस जो है बेसिकली अब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अब यहाँ पर क्या है कि ऑयल प्राइसेस जो है उसका यहाँ पर जो भरपाई है वो अब कंज्यूमर पर नहीं डाल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है और डिमांड जो है काफ़ी वीक होती जा रही है। तो हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन को कम करना है, डिमांड को इंक्रीज़ करना है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है उनके पास कम पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट के पास इनकम जो है वो कम आ रही है। इसके वजह से जो उनका एक्सपेंडिचर करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उनको करना था कि भाई हम रोड में खर्च करेंगे, हम ब्रिजेस में खर्च करेंगे, वो अब यहाँ पर कंपैरेटिवली कम खर्च हो जाएगा, है ना। जो उन्होंने प्लान किया था उससे कंपैरेटिव यहाँ पर कम खर्च होगा। तो ये सारी समस्याएं जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम बढ़ेगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम बढ़ेगी तो अपने आप लोगों के पास पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो डिमांड कम, डिमांड कम तो कंपनी को प्रॉफिट कम, कंपनी को प्रॉफिट कम तो इन्वेस्टमेंट कम, इन्वेस्टमेंट कम तो सब कुछ कम। ये यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए यहाँ पर सॉल्यूशन के रूप में अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ जो है उसको बढ़ाना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगर एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो अपने आप चीज़ें जो है वो बेहतर होती जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा तो अपने आप जो लोग हैं उनके पास भी पैसा जनरेट जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना आज के टाइम पर सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब रशिया ने यहाँ पर क्या ऑफ़र किया है, रशिया ने बोला है कि हम तुमको ऑयल जो है वो यहाँ पर लोअर प्राइस पर देते हैं, कि भाई हम तुमको सस्ते दामों पर प्राइस जो है वो ऑयल देंगे। तुमको क्या चाहिए, तुमको तो सिर्फ मतलब बेसिकली ऑयल चाहिए ना, तो हम तुमको वही ऑयल दे रहे हैं सस्ते दामों पर दे रहे हैं, जो तुमको बाहर से मिलेगा उससे सस्ते दामों में हम तुमको मिल रहे हैं। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही खतरनाक टेम्पटेशन ज़रूर है कि यार मज़ा आ जाएगा, बहुत ही खतरनाक ज़बरदस्त हो गया है ना। इंडिया जो है रेजिस्ट करना यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अगर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाता है तो यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन भी उतनी ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो सकते हैं। कैसे, देखिए रशिया जो है उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएसए के द्वारा, और यूएसए के द्वारा जब सैंक्शंस लगाए जाते हैं तो यहाँ पर कॉमकासा के तहत क्या होता है कि समझ लीजिए यूएसए है, यूएसए ने रशिया पर सैंक्शंस लगाए हैं। अब रशिया पर सैंक्शंस लगाए कि ट्रेडिंग जो है वो नहीं करना है, अगर कोई और कंट्री रशिया के साथ ट्रेडिंग करती है तो यूएसए के ऑटोमेटिकली इंडिया पर भी सैंक्शंस जो है वो लग जाते हैं। ये समस्या है, और इंडिया पर अगर सैंक्शंस लग जाएंगे तो इंडिया जो है वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा, डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएगा, उसी के साथ साथ जो बाकी कंट्रीज है इंडिया के साथ ट्रेड करने में असक्षम रहेगी, इंडिया के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगी। तो हमें जो यहाँ पर एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, वो हम कैसे एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, समझ रहे हो। क्योंकि यूएसए अगर आप देखोगे तो इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है, कि हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। अब समझ लीजिए कि अगर यूएसए का सैंक्शंस इंडिया पर लग जाते हैं तो हम एक्सपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं करेंगे हमारे यहाँ से इतना बड़ा मार्केट चला जाएगा, मतलब हमारा एक्सपोर्ट जो है वो भी कम्प्लीटली नीचे आ जाएगा। इंपोर्ट जो है मतलब इंक्रीज हो ही रहा है, क्योंकि ऑयल हम इंपोर्ट करते जा रहे हैं तो मतलब इंपोर्ट काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपोर्ट हमारा होगा ही नहीं। इसकी वजह से हमारे पास कुछ पैसा आएगा नहीं, हमारा सारा पैसा जो है वो बाहर जाता रहेगा। ये सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को मिलती है। टिपिकली जब इंडिया किसी भी नेशन के साथ ट्रेडिंग करता है तो यहाँ पर जो पैसा है वो डॉलर्स में पे करता है, लेकिन अगर यूएसए सैंक्शंस लगाता है तो क्या होगा, यहाँ पर इंडिया जो है उसको रूबेल में यहाँ पर जो पैसा है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जब रशिया के साथ ट्रेडिंग करते समय रूबेल में करेगा तो फिर इंडिया जो है वो यहाँ पर बाकी जो कंट्रीज है, चाइना हो गया, देन उसका जापान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, है ना, तो इस तरीके से बाकी जो देश है वो भी बोलेंगे भाई हमारी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं ना, क्यों हम डॉलर में करेंगे। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से यहाँ पर जो डी डॉलराइजेशन है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। डी डॉलराइजेशन फिनोमिना क्या है कि अभी हम डॉलर्स में ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन जब डॉलर्स की रिक्वायरमेंट ना हो। डी डॉलराइजेशन का मतलब क्या होता है, डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है कि डॉलर का जो डोमिनेंस है ग्लोबल मार्केट में उसको रिड्यूस कर देना, कि हम जो किसी से भी ट्रेडिंग करते टाइम डॉलर्स में पेमेंट करते हैं, डॉलर्स में पेमेंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर लोकल करेंसी जो है उसमें पेमेंट जो है वो करेंगे, उसको हम कहते हैं डी डॉलराइजेशन।
तो ये बेसिकली कब होता है, जब ट्रेडिंग जो ऑयल में बाकी कमोडिटीज़ में हम जब ट्रेडिंग करते हैं, यूएस डॉलर हम बाय करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के लिए, बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट होती है उसमें डॉलर्स में होता है ना, 35 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पर अग्रीमेंट जो है वो साइन हुआ, तो बेसिकली डॉलर्स में सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। डी डॉलराइजेशन का मतलब होता है ये डॉलराइजेशन हम देखा ही ना, मतलब यहाँ पर डॉलर की बातें जो है वो करे ही ना, तो ये हमें देखने को मिलता है डी डॉलराइजेशन। अब ये तो अच्छी चीज़ है, इसका नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि यहाँ पर यूएसए जो है अब वो यहाँ पर क्या सोचेगा कि भाई अब ये बुरी चीज़ हो रही है, क्योंकि डॉलर्स की जो डिमांड है, क्योंकि अभी डॉलर्स की डिमांड काफ़ी इंक्रीज होती है, किसी को भी पे करना है डॉलर में करेंगे, है ना, डिमांड इंक्रीज तो यहाँ पर वैल्यू हाई, लेकिन अगर डॉलर जो है उसकी डिमांड अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। डॉलर की वैल्यू डिक्रीज़ होगी, अमेरिका को मज़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। अमेरिका बोलेगा भाई ये तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अब यहाँ पर देखूंगा मैं मेरे यार का, है ना। तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है एक अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर बेसिकली इंडिया के लिए कि वो कैप्चर कर सकता है ग्लोबल मार्केट शेयर, कि यहाँ पर किसी एक देश के साथ अटैच ना होकर, जैसे रशिया जो है उसके साथ ट्रेडिंग के लिए अटैच ना होकर, सैंक्शंस अगर इंडिया अपने आप पर होने से रोक देता है, क्योंकि चाइना कंप्लीटली यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है रशिया को, कंप्लीटली सपोर्ट कर रहा है ना, इसलिए क्या होगा यहाँ पर कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चाइना जो है वो यहाँ पर रशिया को सपोर्ट करने की वजह से अब चाइना जो है उसके साथ भी बाकी जो कंट्रीज है वो ट्रेडिंग करने से अपने आप को रोकेगी। तो इसीलिए अब ये इंडिया के पास अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि भाई हम यहाँ पर बाकी देशों जो है उसके साथ घुस जाते हैं, उनकी तरफ हम यहाँ पर अपना ट्रेड जो है उसको लेकर जाते हैं, एक्सपोर्ट जो है उसको हम यहाँ पर अपना इंक्रीज करते हैं, जिससे कि जो भी समस्या है, जो भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम यहाँ पर इंडिया में चल रहे हैं उसको हम रिजॉल्व कर सके। तो ये एक बड़ी चीज़ जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा जो सिनारियो है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी क्या राय है, क्या आपको क्या लगता है कि हमें यहाँ पर डिस्काउंटेड रेट पर रशिया से ऑयल जो है वो परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जो प्रवेश परीक्षा है वो यहाँ पर ली जाने वाली है। बेसिकली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उसके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम जो है वो ली जाने वाली है, और 12th बोर्ड के जो एग्ज़ाम के मार्क्स है वो अब यहाँ पर कोई भी काम के नहीं रहने वाले हैं। तो इसी सिलसिले में अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। देखिए मंडे को क्या हुआ है, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है UGC है, उसने यहाँ पर अनाउंस किया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में CUET जो है वो कहा जाएगा, ये यहाँ पर लिया जाने वाला है, जो अब यहाँ पर मैंडेटरी रहेगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन्स के लिए। जो अंडर ग्रेजुएट UG होता है उसके लिए अब ये कंपलसरी हो जाएगा, मतलब 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में से अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए पहले एंट्रेंस टेस्ट जो है वो आपको देनी पड़ेगी। जैसे क्या अभी कोई एग्ज़ाम्स ऐसी होती है? बिल्कुल होती है। जैसे अगर आप देखोगे जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स हैं, इंजीनियरिंग बोलिए, MBBS बोलिए, उसके लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है JEE मेंस बोलिए या फिर नीट बोलिए, ये हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से जो 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है उसमें एडमिशन अगर चाहिए तो हमें यहाँ पर सेंट्रल जो एंट्रेंस टेस्ट है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो 12th के ग्रेड्स है उसको वेटेज क्यों कम कर दिया है, कि नहीं भाई हमको 12th के जो मार्क्स है वो हमें कंसिडर ही नहीं करना है, हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बेसिकली इन्होंने इसलिए किया है क्योंकि डाइवर्सिटी जो इवेल्यूएशन मेथड में वो हमें देखने को मिलती है। क्या है कि यहाँ पर कुछ जो बोर्ड है ना, अलग अलग डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं एंड उनकी मार्किंग सिस्टम जो है वो अलग अलग होती है। कोई कोई काफ़ी मतलब समझ लीजिए लिबरल होते हैं कि नहीं यार इसको इतने मार्क्स दे देंगे, कोई कोई काफ़ी टफ होते हैं कि नहीं इतने मार्क्स जो है हम प्रोवाइड ही नहीं करेंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्टूडेंट्स को अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है दूसरों के ऊपर। तो इसलिए क्या है, 12th के आप मार्क्स ही कंसिडर नहीं करेंगे, आप यहाँ पर जो एग्ज़ाम है एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दो, और एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर हम यहाँ पर तय करेंगे कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो दी जाएगी, क्योंकि वहाँ पर जो एग्ज़ाम रहेगी वो सेम रहेगी सभी स्टूडेंट्स के लिए, तो वहाँ पर किसी को एडवांटेज जो है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि कौन कंडक्ट करेगा इस एग्ज़ाम को, CUET एग्ज़ाम को कौन कंडक्ट करेगा और कब कंडक्ट करेगा? तो ये जो एग्ज़ाम है इसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो यहाँ पर कंडक्ट करेगी, जो JEE मेंस बोलिए, UGC नेट बोलिए, ये भी यहाँ पर कंडक्ट करती है, और ये 1st week of July जो है उसमें हमें देखने को मिलेगी। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है जो 2 shifts में हेल्ड किया जाएगा, और 13 लैंग्वेजेस जो है उसमें यहाँ पर लिया जाएगा, उसमें हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, आसामी, बंगाली, पंजाबी, उड़िया, इंग्लिश, ये सभी लैंग्वेजेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो कौन से बेसिस पर टेस्ट किए जाएंगे ये वाली जो एग्ज़ाम है उसमें, तो UGC चेयरमैन जो है उन्होंने कहा है कि 3.5 hour कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट रहेगी,
और यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि आपको सब्जेक्टिव कुछ लिखना है, यहाँ पर मल्टीपल जैसे होता है ना यूपीएससी में, जैसे होता है कि क्वेश्चन यहाँ पर आ गया एंड उसके चार ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सही ऑप्शन आपको टिक करना है। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे जो यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक जो है उस पर बेस्ड रहेंगे, है ना। अब यहाँ पर हर एक जो है यूपीएससी का भी अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी पर बेस्ड ही बोलते हैं, लेकिन उसके लिए जो स्टैंडर्ड किताबें हैं वो खरीदना पड़ता है ना। अब यहाँ पर ये जो एग्जाम है तीन पार्ट में हमें देखने को मिलने वाली है, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली यहाँ पर कैंडिडेट जो है लैंग्वेज जो उन्होंने चूज़ की है उस बेसिस पर यहाँ पर टेस्ट लिया जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहेंगे, क्वेश्चन जो है वोकैबलरी पर, सिनोनिमस, एटोनिमस, ये हमें देखने को मिलेंगे, है ना। और ये जो 13 लैंग्वेजेस है उसी लैंग्वेज में से वो कोई भी लैंग्वेज जो है चूज़ कर सकते हैं जिसमें उनको एग्ज़ाम देनी है, तो ये फर्स्ट पार्ट उसका रहेगा। सेकेंड पार्ट अगर हम देखते हैं तो वो रहेगा कैंडिडेट के डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, जो डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज है वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ है, अलग अलग 27 डोमेन हमें देखने को मिलेंगे, जो यहाँ पर समझ लीजिए कि किस डोमेन पर किस तरीके से वो काम कर रहा है, फिजिक्स बोलिए, अलग अलग जो वेरियस डोमेन्स होते हैं उस पर ये टेस्ट किया जाएगा स्टूडेंट का। एंड देन थर्ड पार्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है जनरल टेस्ट, इसमें जनरल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, करंट अफेयर के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। तो बेसिकली ये जो तीन पार्ट है इसमें ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट की जाएगी और इसके बलबूते पर देखा जाएगा कि भाई कौन से स्टूडेंट को किस तरीके के मार्क्स मिल रहे हैं और फिर उसको यूनिवर्सिटी जो है उसमें एडमिशन दी जाएगी। आइए हम यहाँ पर बात करते हैं जो इमरान खान है, क्या वो अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो खो देंगे, क्योंकि इमरान खान की जो पार्टी है वो खुद इमरान खान के खिलाफ जा रही है। तो यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस वोट होने वाला है उसमें इमरान खान की क्या होगी सीटीबीटी गुल, है ना। इसी तरीके के जो न्यूज़ में हमें कैच लाइन देखने को मिलती है, इमरान खान की हो गई सीटीबीटी गुल। खैर, तो यहाँ पर इमरान खान जो है किस तरीके से यहाँ पर पूरा सिनारियो चल रहा है उसको हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो पाकिस्तान का नो ट्रस्ट मोशन, पाकिस्तान इमरान खान जो है वो यहाँ पर कोर्ट रूलिंग ओवर डिफेक्शन देख रहे हैं, जिससे कि जो उनके लोग हैं जो उनके तरफ वोट कर सकते हैं भाई उनको डिफेक्शन ना हो, वो डिस्क्वालीफाई ना हो, वहाँ पर बरकरार रहे जिससे कि उनको वोट मिले और वो जो मेजोरिटी का आंकड़ा है उसको पार करके प्रधानमंत्री पद पर बने रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरान खान जो है वो प्रधानमंत्री पद से निकल जाएंगे और यहाँ पर उनका कार्यकाल जो है इतना ही सीमित रह जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर हम देखें तो उसमें इतनी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें देखने को मिलती है, जिसमें से इमरान खान की अगर हम देखते हैं पाकिस्तान तारिक ए इंसाफ PTI, ये वाली हमें सेंट्रल राइट पार्टी जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो बाकी की पॉलिटिकल पार्टीज़ है ये भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सभी हमें देखने को मिलती है। अब इसमें से अगर हम देखें तो बेसिकली जो 2018 में इलेक्शंस हुए थे पाकिस्तान में उसमें जो इमरान खान की पार्टी है PTI वो सबसे ज़्यादा सीट्स लेने वाली पार्टी बनी थी। देखिए बेसिकली होता क्या है, जो पाकिस्तान है उसमें 342 सीट्स हमें नेशनल असेंबली में देखने को मिलते हैं, और किसी भी पार्टी को जैसे भारत में उसी तरीके से पाकिस्तान में भी हमें देखने को मिलता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर अपनी मेजोरिटी साबित करनी है या फिर अपनी सरकार बनानी है तो उनको एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है वो चाहिए होती है, मतलब टोटल स्ट्रेंथ प्लस उसका 50% प्लस 1 इतनी सीट चाहिए होती है। तो यहाँ पर 342 अगर हम देखते हैं तो मेजॉरिटी के लिए 172 सीट जो है वो चाहिए होती है, जिसके पास 172 लोग रहेंगे उनकी सरकार बन जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर PTI देखते हैं, मतलब इमरान खान की जो सरकार है उनका देखते हैं, मतलब जो पार्टी है उनका देखते हैं, तो उनकी जो सीट्स है 149 हमें देखने को मिलती है, बाद में रिवाइज इसमें 155 भी कई जगहों पर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 149 जो है वो यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। एंड देन उसके बाद बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनकी अलग अलग वेरियस सीट्स यहाँ पर पाई गई है। तो अब आप बोलोगे कि यहाँ पर तो 172 का आंकड़ा जो है वो इमरान खान की गवर्नमेंट ने पार नहीं किया है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो यहाँ पर हमें कोएलिशन की गवर्नमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। जैसे इंडिया में भी हमें कई बार कोएलिशन की गवर्नमेंट देखने को मिली है, उसी तरीके से पाकिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो प्योरली जो इमरान खान की, जैसे हमारे यहाँ पर अभी कंप्लीट जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो देखने को मिल रही है, कोएलिशन की गवर्नमेंट नहीं है, कंप्लीट मेजोरिटी बीजेपी को मिली है। तो पाकिस्तान में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है, लेकिन वहाँ पर हमें कोएलिशन की गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो उसमें जो पाकिस्तान तारिक इंसाफ है उसके सपोर्टर्स, बाकी जो पार्टीज़ है उनको, कई सारी छोटी छोटी पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पर एक साथ लाया गया है, जिससे कि उनका आंकड़ा जो है 176 पहुँच गया है। तो इस तरीके से हमें वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ देखने को मिली है, जिसके तहत हमें यहाँ पर जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो फॉर्म होती हुई देखने को मिली।
लेकिन अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जितना भी अपोजिशन पार्टीज है उनका अलायंस यहाँ पर बन चुका है ना। उसमें नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग बोलिए, आसिफ अली की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बोलिए, और मौलाना जो फजलूर है रहमान उनकी जमात इस्लाम बोलिए। तो ये सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये एक साथ आ गई है, और अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में यहाँ पर उन्होंने सबमिट किया है स्पीकर के पास। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब होता है कि उनका ये मानना है कि जो इमरान खान यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास 172 लोग है, इनका सपोर्ट है, वो यहाँ पर एक्चुअल में उनके पास नहीं है, ऐसा यहाँ पर अपोजिशन पार्टी का बोलना है। अब अगर यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या होता है, जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अगर आपने एम अकेडमी ऐप पर पॉलिटी के जो लेक्चर्स हैं अपने वो देखे होंगे तो उसमें सभी चीज़ें मैंने कवर की हुई है। नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है कि भाई अगर किसी ने समझ लीजिए 172 यहाँ पर उनको मिले हैं तो मतलब इन्होंने अपनी मेजोरिटी जो है वो साबित कर दी है, लेकिन किसी समय पर अगर ऐसा लगता है कि इनके पास 172 मेंबर्स नहीं है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो पास किया जा सकता है, जिसमें फिर से देखा जाएगा कि इमरान खान की तरफ कितने लोग हैं। अगर ये 172 से ज़्यादा लोग भर जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री बने रहेंगे, अगर उनके पास 172 से कम रहते हैं तो प्रधानमंत्री जो है वो नहीं बनेंगे, उनको राजीनामा देना पड़ेगा, रेसिग्नेशन देना पड़ेगा, उनकी पूरी गवर्नमेंट जो है वो गिर जाएगी। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अभी लाया गया है तो ये इसीलिए लाया गया है ताकि इमरान खान की सरकार जो है उसको गिराया जाए। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि रिसेंट टाइम में देखा गया है कि जो इमरान खान है वो यहाँ पर पाकिस्तान की जो हालत है बहुत ख़राब होती जा रही है, जो पैसे हैं पाकिस्तान के वो ख़त्म होते जा रहे हैं, सारी जो चीज़ें हैं मतलब पाकिस्तान की जो इमेज है वो तहस नहस हो रही है, सब कुछ ख़राब हो रहा है, और इसके लिए कहीं ना कहीं इमरान खान जो है वो ज़िम्मेदार माने जाते हैं, और इमरान खान ज़िम्मेदार है भी। अभी हाल ही में अगर आपने देखा हो तो वो रशिया चले गए थे, है ना, जब रशिया पुतिन जो है वो हमला कर रहे हैं तब वो रशिया से जाने की मिल रहे हैं, तो ग्रे लिस्ट में उनको रखा जा रहा है, सब कुछ वहाँ पर मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही हो रहा है। अब देखिए इसमें ये जो चीज़ें होती है इसमें जो पाकिस्तान की आर्मी है ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मतलब आर्मी जो है बेसिकली वही गवर्नमेंट चलाती है, ऐसा अगर बोला जाए तो वो भी सही होगा। इमरान खान की जो सिचुएशन है ऑल मोर डायर है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी जो उसके साथ उसका फॉलोआउट हमें देखने को मिल रहा है। जब 2018 में इलेक्शंस हुए थे जो इमरान खान है, ऐसा कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान की आर्मी है उसने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है यहाँ पर इमरान खान को, और उन्होंने यहाँ पर इमरान खान जो उसको प्रधानमंत्री बनाया है, लेकिन उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा फॉलोआउट जो है आर्मी के साथ उनके देखने को मिले हैं। और अगर आप देखोगे तो जो मिलिट्री कूप है पाकिस्तान में वो काफ़ी टाइम से हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब 1958 से न्यूमरस सक्सेसफुल अटेम्प्ट जो है 1951 से हमें देखने को मिले हैं मिलिट्री के, मतलब समझ लीजिए पाकिस्तान जो है सेवरल डेकेड मिलिट्री रूल में ही उसने गुजारा है, भले वो 1858 से 71 हो, 77 से 88 हो, 99 से 2008 हो, तो मिलिट्री जो है उसी के अंडर में यहाँ पर जो है वो अपना कार्यकाल बिताता है, मतलब डेमोक्रेसी की सरकार बनती है, कुछ समय रहती है, मिलिट्री जो है वो कूप कर लेती है, अपने अंडर में ले लेती है, एंड देन फिर पाकिस्तान जो है उसको चलाती है। और अगर वो डेमोक्रेसी के तहत अगर गवर्नमेंट चला भी रही है फिर भी मिलिट्री ही चलाती है, ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। तो इस तरीके से अभी भी हमें यही चीज़ देखने को मिल रही है कि भाई आर्मी जो उसके साथ झगड़े होने की वजह से या फिर आर्मी के साथ फॉलोआउट होने की वजह से जो इमरान खान है वो यहाँ पर अपना प्रधानमंत्री पद जो है वो खो सकते हैं। और ऐसा भी बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो इमरान खान के साथीदार हैं वो भी इनके अगेंस्ट में हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है तो हाई चांसेस है यहाँ पर कि इमरान खान जो है वो अपना प्रधानमंत्री पद खो सकते हैं और अब वो प्रधानमंत्री नहीं बने रहेंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा मसला जो है अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपकी क्या राय है और इसके भारत पर परिणाम जो है वो किस तरीके के हो सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो चाइना की एयरलाइन है वो यहाँ पर बेसिकली क्रैश कर गई है, 132 ऑन बोर्ड थे और कोई भी यहाँ पर सर्वाइव हुआ है इसकी आशा मतलब कोई इसके कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ कि डिपार्चर जो है ये यहाँ से यूनान से हमें देखने को मिला है, ये बेसिकली चाइना है एंड यहाँ से हुआ है, इस तरफ आते आते यहाँ पर लास्ट नोन लोकेशन जो है 6:22 AM को हमें देखने को मिली एंड इसके बाद यहाँ पर समझा गया कि भाई प्लेन जो है वो क्रैश हो गया है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पर पाई गई है, काफ़ी लोग इसको कॉन्स्पिरेसी जो है ये भी बता रहे हैं कि कॉन्स्पिरेसी है कि इस तरीके से जो प्लेन है वो क्रैश हुआ है, लेकिन खैर जो अभी क्योंकि देखिए चाइना के तरफ से जो भी तथ्य है बाहर नहीं आते हैं कभी भी, है ना, तो इसलिए जो चीज़ बाहर निकल कर आ रही है वो इस तरीके की हमें देखने को मिल रही है। दूसरा यह है कि रशियन कोर्ट जो है
उसने यहाँ पर मेटा ग्रुप को, मतलब जो फेसबुक है ये सब, अभी मेटा हमें देखने को मिला ना, मेटा जो है उसको एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोला है, बैन कर रहा है। तो रशियन कोर्ट ने रूल किया है कि मेटा जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब ये ओन करता है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो रशियन टेरिटरी उसमें इसको ऑपरेट करने से बैन कर दिया है। तो ये चीज़ काफ़ी बड़ी है क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लेबल लगना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। और उसी के तहत एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है कि भाई यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है लोगों का। और कई ऐसे एग्जांपल इसके हमें देखने को भी मिले हैं कि इलेक्शन जो है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इसका इन्फ्लुएंस जो है वो रहता है, है ना। लेकिन खैर ये न्यूज़ जो है ये एक इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी theMAcademy.in ये वेबसाइट विजिट अगर आपने नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर वेरियस कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्सेज बोलिए, कैटेगरीज डिफरेंट कोर्सेज के बोलिए, तो आप वेरियस कोर्सेज यहाँ पर जाकर ले सकते हो, उनको एंजॉय कर सकते हो, न्यूज़पेपर फ्री में आप देख सकते हो किसी भी डेट का। तो जल्द से जल्द विजिट कीजिए theMAcademy.in और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। तो यहाँ पर हमारा वीडियो ख़त्म होता है, आप शेयर ज़रूर कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।